एंशियंट पीरियड से ही हम भारतीयों ने साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से दिखाई देती है। आदि मानव ने स्टोन एज में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सी वैरायटीज का निर्माण किया। यहाँ पर यह कहना ज्यादा उचित होगा कि मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ ही इंजीनियरिंग का विकास भी हुआ। यदि हम भारत के अति प्राचीन इतिहास की बात करें तो भारत में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई उपकरण थे। उस अति प्राचीन समय में भी एरोप्लेन होते थे, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान भी होते थे। आज के लोग भले ही विश्वास न करें, लेकिन एक्सप्लोरर्स ने अब तक इस सच को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी देश और उसकी संस्कृति के इतिहास को धर्म की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी क्रम में अगर हम हिंदू धर्म के काव्य ग्रंथ रामायण और महाभारत की बात करें तो उस समय के इंजीनियर आज के मुकाबले कहीं अधिक एक्सेसिव टेक्निक से लैस थे। रामायण और महाभारत के समय काल से ही हम इंजीनियरिंग का इतिहास पाते हैं। उस समय भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित थी कि इसकी जानकारी हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों से मिलती है। प्राचीन काल में भारत में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज वाले विमानों यानी एयरक्राफ्ट के बारे में पता चलता है। रामायण काल जो आज से 9000 साल पहले था, उस समय रावण के पास एक महत्वपूर्ण विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान, जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से बलपूर्वक छीन लिया था और साथ ही कुबेर की सोने की नगरी लंका भी। इसी पुष्पक विमान में सवार होकर रावण माता सीता को बलपूर्वक हरण कर लंका ले गया था। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार पुष्पक विमान का डिजाइन ऋषि अंगीरा और निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। उस समय के विमानों की मुख्यतः दो कैटेगरीज थी। नंबर 1, मानव निर्मित विमान। ये विमान आज की तरह के एरोप्लेन जैसे हैं, जो पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे। नंबर 2, इनक्रेडिबल एयरक्राफ्ट। इन विमानों का आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों की तरह हुआ करता था। इनमें से तारामुख विमान चुंबकीय शक्ति से चलते थे। अगर हम पुष्पक विमान की बनावट की बात करें तो इस विमान में बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे इसका आकार जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जा सकता था। तभी रावण पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। ये मन की गति से अनलिमिटेड टाइम तक चलाया जा सकता था। ये विमान एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह के लिए भी जा सकता था। यानी ये एक स्पेस क्राफ्ट था जो सोने का बना था। इसमें कई कैबिन भी बने होते थे। कहा जाता है कि रावण के पास कई अन्य विमानों के साथ साथ 4 हेलीपैड भी थे। वो पुष्पक विमान को उसानगोड़ा हवाई अड्डे पर उतारा करते थे। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। पुष्पक विमान टेक्नोलॉजी के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज ने बाकायदा वैमानिकी शास्त्र लिखी थी, जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी किया जा चुका है। इसमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले विमानों को बनाने की जानकारी दी गई थी। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस तरह से विमान बनाने की टेक्निक बताई, वो वर्तमान की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे थी। रामायण काल के वैज्ञानिक व इंजीनियर नल नील, विश्वकर्मा, सुबाहु ऋषि, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि थे। इस समय की वास्तुकला और स्थापत्य कला आज से कई गुना आगे थी। भारत से लंका को जोड़ने वाला राम सेतु का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील ने किया था, जो कि एक अद्भुत पानी पर तैरता हुआ पुल था। यदि हम पहिए की बात करें तो इसका आविष्कार नवपाषाण काल से माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 3 पहियों वाले एक रथ का निर्माण किया था, जो कि अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता था। आज से 5000 साल पहले अगर हम महाभारत की बात करें तो शकुने की एक कॉन्स्पिरेसी पॉलिसी के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक लाक्षागृह महल बनवाया, जो कि लाख से बनवाया गया था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना प्राचीन समय में भी आर्किटेक्चर के मामले में कितना विकसित युग रहा होगा। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को इसी महल में जलाकर मार डालें, क्योंकि लाख तेजी से आग पकड़ता है। इसीलिए सूचना मिलते ही पांडव एक सुरंग के रास्ते से रातों रात भाग निकले। ये सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है और लाख के महल के अवशेष
आज भी बरनावा के मेरठ में पाए जाते हैं। इस प्रकार पांडवों ने भी इंद्रप्रस्थ नाम के एक नगर की स्थापना खांडव वन के एक निर्जन स्थान पर की थी। यह नगर पूरी तरह अचंभित करने वाली टेक्नोलॉजी से बना था। ये सागर जैसी चौड़ी खाई से घिरा था, जो कि गगनचुंबी चार दीवारी से घिरी एक अमेजिंग सिटी थी। इसमें अनगिनत महल और असंख्य द्वार थे। शास्त्रों के अनुसार दुश्मन का एक बाण यहाँ पर एक खरोच भी नहीं बना सकता था। दीवारों पर बड़े बड़े लोहे के चक्र भी लगे थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाभारत काल में भी आर्किटेक्चर अपनी चरम पराकाष्ठा पर था। आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना शायद ही इस मॉडर्न एरा में देखने को मिले। ये शहर आज के यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित था। जैन ग्रंथों के अनुसार हर एक वंश के प्रतापी राजा अजात शत्रु ने वज्जी संघ के साथ युद्ध में एक रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे विध्वंसकारी वेपन्स का प्रयोग किया था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मूसल का भी उपयोग किया गया था। रथ मूसल में चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे, जिनके बीच रथ सवार सुरक्षित स्थान पर बैठता था। इसके बाद अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में पत्थरों और लोहे से बनी टेक्नोलॉजी से भरपूर वस्तुओं का खूब विकास हुआ। इसका एग्जाम्पल है सम्राट अशोक का एकाश्मक स्तंभ। इसका वजन 50 टन और ऊंचाई 30 फीट से अधिक है। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिना किसी क्रेन मशीन के सहायता के इस स्तंभ को 500 से 600 मील दूर दूर ले जाकर स्थापित किया गया था। लेकिन कैसे, जो अपने आप में उस समय के इंजीनियरिंग प्रोफिशिएंसी को दर्शाता है। इस समय में लोहा ढलाई का तकनीकी विकास का ज्ञान काफी विकसित हो गया था। महरौली का लोह स्तंभ जो गुप्त काल में बना, उस पर मैगजीन ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाकर उसे जंग रहित बना दिया गया था, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, इसे आज तक समझने में हम कामयाब नहीं हो सके। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को जान जाते तो शायद इस टेक्निक के माध्यम से लोहे को जंग लगने से बचा सकते थे। 5वीं सदी में गुप्तोत्तर काल में लिखी गई राज तरंगिणी में खोया नाम का इंजीनियर, जिसने झेलम नदी तट पर बांध बनाया और नहर निकलवाई थी, उसका उल्लेख मिलता है। इटली का एक व्यापारी मार्को पोलो गुजरात की अद्भुत सुविकसित लेदर इंडस्ट्री का उल्लेख करता है, जिसमें वहां के शिल्पी लाल और नीले चमड़े से सुंदर सुंदर चटाई बनाते थे। इसके अलावा इंजन मशीन टूल्स धातु विज्ञान आदि मेटालर्जी की अधिक से अधिक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी, जिनके बड़े और खूबसूरत शहरों ने 13वीं शताब्दी के इटालियन व्यापारी मार्को पोलो को बड़ा इंप्रेस किया। नई शताब्दी में कावेरी नदी पर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया श्रीरंगम टापू के नीचे एक बांध बनाया गया था, जो 240 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा था। यह अपने आप में ही टॉप क्लास इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हवाई जहाज बनाने का श्रेय ऑरविल व विल्बर नाम के अमेरिकी राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, जबकि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले वर्ष 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के एक भारतीय नागरिक, जो पेशे से एक अध्यापक थे, ने मुंबई की चौपाटी के नजदीक सार्वजनिक तौर पर एक हवाई जहाज उड़ाया था। मारुत सखा नाम के इस हवाई जहाज ने 1500 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। तलपड़े जी की पत्नी का निधन हो जाने से दुखी तलपड़े ने इस दिशा में काम करना बंद कर दिया और उनकी फैमिली मेंबर्स ने आविष्कार संबंधी कागज और टेक्निक को अंग्रेजों को बेच दिया। इसी विषय पर एक हवाई ज्यादा नाम की फिल्म भी बनी, जो काफी हद तक सच को सामने लाने में सफल रही। अब बात करते हैं इटली के चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची अमेरिका के राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान हासिल करने से तकरीबन 400 साल पहले एक फ्लाइंग मशीन तैयार कर चुके थे। इतना ही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया की पहली कार का आविष्कार भी किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लियोनार्डो की सेल्फ ड्राइव गाड़ी को ड्राइवर की जरूरत नहीं थी, ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली व्हीकल था। लियोनार्डो दा विंची मिरर राइटिंग में राइटिंग वर्क करते थे। इनकी एक मैनुस्क्रिप्ट कोडेक्स लिसेस्टर बिल गेट्स ने 11 नवंबर 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदी। माना जाता है कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी किताब होगी
जो इतने महंगे दामों में बिकी। दरअसल इस किताब में पुनर्जागरण विचार को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें लिखी गई। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात सपने में मुझे संस्कृत के उस फॉर्मूले का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। दरअसल अगस्त्य संहिता में भारत के ऋषि अगस्त्य का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें उन्होंने कॉपर शीट और मरकरी, जिंक आदि की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की विधि बताई थी। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, इसीलिए ऋषि अगस्त्य को बैटरी बोन भी कहते हैं। माइकल फैराडे से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में निकोला टेस्ला द्वारा कई रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कार्य किए जा चुके थे, जिन पर ही माइकल फैराडे की इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थ्योरी आधारित है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी की। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले से लेकर अब तक दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं। डेली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी पेश की जा रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसे ही अपकमिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो दुनिया का भविष्य पूरी तरह बदल कर रख देंगी। आपने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये 5G नेटवर्क और एडवांस सेंसर के मिक्सचर से अलग अलग कमरे में होते हुए भी एक दूसरे को ना सिर्फ देखना बल्कि हाथ मिलाना भी पॉसिबल होगा। यानी अब इसकी सहायता से डॉक्टर अपने मरीजों का रिमोटली इलाज कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष तकरीबन 600 मिलियन लोग खराब और दूषित खाना खाते हैं, जिसका असर सीधा उनकी हेल्थ पर पड़ता है। लेकिन अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगी कि किसी भी प्रकार के पैक्ड फूड आइटम को सेंसर की मदद से ट्रैक किया जा सकेगा और साथ ही पैकिंग में रखा खाना कब खराब होने वाला है ये भी ट्रैक किया जा सकेगा, ताकि खाने को खराब होने से पहले ही बचाया जा सके। डीएनए डेटा स्टोर करने में काफी एनर्जी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ऐसे डेटा स्टोरेज बनाए जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर ड्राइव का लो एनर्जी विकल्प है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, आने वाले समय में सोशल रोबोट हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगे। इनके जरिए बच्चों को पढ़ाना और घर के कामों को करने समेत बुजुर्गों की देखभाल करना आसान हो गया है। भविष्य में नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये हमारी लाइफ को और भी इजी बनाने वाले हैं। भविष्य में नए फर्टिलाइजर में पहले की तुलना में ज्यादा इको फ्रेंडली नाइट्रोजन और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म का उपयोग किया जाएगा, जो पौधों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आने वाले समय में बायोप्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए एक तकनीक विकसित की जा रही है। इसे पेड़ पौधे के खराब हिस्से के सेल्यूलोज या लिग्निन का उपयोग करके बनाया जाएगा, जो आने वाले समय में ये प्लास्टिक की जगह ले सकेगा। वीडियो के अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि इंजीनियरिंग का जन्म भी मानव सभ्यता के साथ ही हो गया था, जिसमें हमारा देश भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसने ना सिर्फ इंसानी जीवन को आसान बनाया बल्कि मनुष्य को टेक्नोलॉजी के साथ जीना भी सिखाया। यही टेक्नोलॉजी भविष्य में हम मनुष्यों को और एडवांस बनाएगी।